कान हो गए। ये बताओ आप जैसे आप लोग इस मान लीजिए हमारे ससुर का तो काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम उतना सोचेंगे। और भी गांव में आप जैसे और भी लोग तो होंगे बोरी बहुत, तो सबकी ऐसे ही नौ सात की अम्मा का भी वही हाल है। अच्छा इसके बारे में आप ये बताइए, अगर जैसे बूढ़े लोगों के लिए एक तो मतलब हाल टाइप का मकान बना दिया जाए, मकान और पेशाब पैखाना, हमारी बात बताइए, सुन के बताइएगा सही है कि गलत है, ठीक है, बना दिया जाए और उसमें कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि अगर मान लीजिए आप बेटा पतो खाना नहीं दे रहे हैं तो उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे किसी को रख के, अगर जिसका बेटा पतो खिला पिला रहा है और दिन भर अनसार है बूढ़ा बूढ़ी को देख के, तो अगर आठ दस तो बूढ़ी लोग अगर जो एक जगह इकट्ठा हो जाए तो अपने अपने दिल की बात करके मन बहल जाता है, नहीं बहल जाता है, हम इसी पर हम काम करने के लिए सोच रहे हैं। जानते हैं बहु बोलती है हाँ, अरे हमारे के जवान नहीं तो हम जवाब दे ले बनी कि चलो दस आदमी कहानी कन्या समय तो कहने को बहुत क्यों बाकी क्या कहें घर वालों के खाना वाना नहीं देती है ना, तीन चार महीने से खाना नहीं देती है, तीन महीना हो गई खाना ना बुला।